मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लास नाइन की मैथ पढ़ाते हैं। क्लास नाइन की मैथ का आपका फर्स्ट चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति आपको पढ़ने से पहले इस लेसन में आपको संख्या के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आज आपको हम पूरी नॉलेज आप संख्या के बारे में देने जा रहे हैं। देखिए मैथ में तो पहले आता संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या होती क्या है, क्या नहीं होती। हमारे मन में केवल इतना लिखा कि नंबर क्या होते हैं, नंबर हमारा संख्या, यही हमको मालूम है अभी तक। तो आपको पूरी डिटेल इसके अंदर आपको इस वीडियो में आज आपको मिलने जा रही है, ठीक है। तो आपको संख्या, संख्या आपकी दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है आपको, जो आपका क्लास नाइन्थ में है, और जो काल्पनिक संख्या है ये आपका क्लास इलेवेंथ में आएगा। तो उसकी नॉलेज आपको थोड़ा बहुत दे देते हैं, क्योंकि आपकी काल्पनिक संख्या होता क्या है ये आपको हम बताते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में होना चाहिए और माइनस में नंबर होना चाहिए। जैसे रूट में माइनस वन, रूट में माइनस टू, रूट में माइनस थ्री, ये सब हमारे क्या है, संख्या हमारी काल्पनिक है। काल्पनिक हमारा, ये काल्पनिक मान नहीं निकाल सकते हैं, ये होता है मगर इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं देते हैं, क्योंकि आपको क्लास 11 में पढ़ना है, आप हैं क्लास 9 में। तो हम आते हैं वास्तविक संख्या में, इसमें आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या में हमारा सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर हमारा आता है यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण, ये पूर्ण नहीं है, देखिए इसमें जीरो नहीं है, यहाँ क्या हमारा जीरो आ रहा है। प्रकृति और पूर्ण में केवल इतना अंतर हमारा कि पूर्ण में हमारा जीरो भी होता है इनफाइनाइट तक। फिर हमारा आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ आपको हम दोनों बताया गया, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अब हमारा आता है सम संख्या, तो क्लास एट्थ में आप पढ़ चुके हैं सम संख्या, जो दो से भाग हो जाए या फिर दो से कट जाए, दो से हमारा डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 डेट। विषम संख्या, जो दो से डिवाइड ना हो पाए, दो से हमारा डिवाइड ना हो पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 डेट डस इनफाइनाइट तक। अब हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज संख्या पहले जानिए भाज क्या होता है। भाज हमारा क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से कट जाए, जैसे 4, 4 क्या खुद से कटता है और किसी और गिनती से भी हमारा कट सकता है। 6, 6 हमारा खुद से कटेगा और 2 और 3 से भी कटेगा, और जो खुद से कटे और किसी और गिनती से ना कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 डेट इनफाइनाइट। इसमें आपको क्लास 9 में सबसे मेन चीज आने वाला है परिमेय संख्या। क्या है वाला आपका, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या होती क्या, समझिए पहले, वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप का हो, वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप को, मतलब कि एक भिन्न के रूप का हो, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। पी और क्यू क्या होता है हमारा, एक पूर्णांक है, और कंडीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। पी बटे क्यू हमारा है, पी हमारा जीरो हो सकता है मगर क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी गिनती हमारा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। देखिए जैसे हमारा 2 बाई 3, 3 बाई 5, 4 बाई 5, 2 बाई 1, 0 बाई 5, 0 बाई 3 डेट इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारा क्या होती है, जो वर्गमूल में हो, जो वर्गमूल में हो और जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर इसे हमारा रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं है,
क्योंकि हमारा रूट फोर का क्या होता है, रूट फोर का हमारा रूट निकल सकता है कि नहीं, टू इंटू टू, टू का जोड़ा बनेगा हमारा, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, टू आया कि नहीं, तो ये तुम्हारी परिमेय संख्या हो गई है। नहीं दिख रहा है वीडियो में, देखिए फिर से देखिए, यहाँ से रूट फोर है, रूट फोर का आपका कितना होगा बताइए, टू इंटू टू, टू इंटू टू, और यहाँ देखिए टू का जोड़ा बनेगा, कितना आएगा हमारा, टू आया कि नहीं आया, तो ये हमारे क्या हो गया, दो बटे अगर एक कर देंगे हमारा क्या होगा, ये चीज हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या हमारा क्या होता है, जो रूट में हो, जिसका रूट ना निकल पाए, जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगर दशमलव के रूप में हो, तो दशमलव के रूप में हो तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए जैसे हमारे लिखा है 0.1, 1 टाइम्स 0, फिर 1, 2 टाइम्स 0, फिर 1, 3 टाइम्स 0, मतलब कि एक गिनती हमारी रिपीटिंग होती रहेगी, और जो अगली गिनती रहेगी हर स्टेप में आपका एक एक नंबर बढ़ता ही चला जाएगा उसमें। देखिए यहाँ देखिए 0.23, फिर 233, फिर 233, फिर 2 लिखेंगे, 4 टाइम्स 3 लिख देंगे, दैट इज, तो ऐसी संख्या हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया आपको, अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसकी एक सॉल्व स्क्रीन ले लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि हम 1 by 1 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। हमारे अगले वीडियो में आपका चैप्टर 1.1 आपको पढ़ा